अदरक लहसुन और नमक डाल के हमने बॉईल करके श्रेड कर लिया है। चिकन हमारा ऑलरेडी बॉईल है तो हमें इसे ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं। पैन में मैंने ऐड किया है 2 टीस्पून के करीब ऑयल और इसमें हम ऐड करेंगे चिकन। आप चिकन का मैरिनेशन अपने हिसाब से अपने टेस्ट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं, कोई इसका स्टैंडर्ड रूल नहीं है। साथ ही इसमें डालूंगी मैं हल्दी, बहुत थोड़ी सी पिंच। लाल मिर्च ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। सॉल्ट भी हम थोड़ा ही डालेंगे 1/4 टीस्पून के करीब। साथ ही काली मिर्च ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। बहुत ही कम मसालों से हम इसे बनाएंगे। चलिए इसी तरह इसे बस 1 मिनट के लिए मिक्स करेंगे और साथ ही फ्लेवर के लिए मैं इसमें ऐड करूँगी कैबेज 2 टीस्पून के करीब। ये भी हमने पहले से कट करके रख ली थी, बस इसे थोड़ा सा 2 मिनट के लिए, 1 से 2 मिनट के लिए भून लें और फिर निकालें। चलिए चिकन हमारा कुक हो गया, थोड़े से हम इसमें रेड चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे और गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। चलिए हमारी रेड चिली स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक टॉर्टिला रैप ले लिया है मैंने, आप चाहें तो रोटी भी बना सकते हैं, गेहूँ की रोटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर मेक श्योर करें बिना तेल ऐड किए रोटी को आप 50% कुक कर लें। रिमेनिंग 50% हमें अभी कुक करना होगा फिलिंग करने के बाद। तो आप या तो घर का पराठा लें या फिर रेडीमेड लें। इसे हम पहले इस तरह से एग्जैक्टली सेंटर में से कट करेंगे, देखिए इस तरह से। यहाँ पर मैंने मेयोनेज सॉस और चिली सॉस तीनों चीज़ों को मिलाकर एक सॉस बना लिया है और थोड़े से चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं। तो आप इसे 1 साइड यानी 1/4 हिस्से पे से स्प्रेड कर लें। मैंने चिकन की फिलिंग यूज़ की है, आप चाहें तो पोटैटो फिलिंग यूज़ कर सकते हैं या फिर पनीर की फिलिंग भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद है आप इसे उस तरीके से बना सकते हैं। नेक्स्ट हम इसमें डालेंगे सैलेड। यहाँ पर खीरा गाजर मैंने यूज़ किया है, आप अपनी पसंद की कोई भी सैलेड इसमें डाल सकते हैं। साथ ही इसमें मिलाया था थोड़ा सा नमक और काली मिर्च। ओवर स्टफिंग ना करें वरना फोल्डिंग में आपको प्रॉब्लम होगी और जब आप इसे सेकेंगे तो ये बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट इसमें डालेंगे ना चिकन की फिलिंग। चिकन भी हम 1/4 पार्ट में ऐड करेंगे। ओवर क्राउडेड ना करें, हर चीज़ में थोड़ा सा स्पेस रखें। लास्टली इसमें ऐड करेंगे हम मोज़रेला चीज़। तो ये सारी चीज़ें हमने ऐड कर दी हैं। इस तरह से ये हो गया हमारा 1 साइड। नेक्स्ट इसे चिकन के साथ और फिर फाइनली इस तरह से इसे ये देखिए इस तरह से हमारी फिलिंग रेडी हो गई है। चलिए अब इसे थोड़ा सा पैन में ऑयल डालेंगे और दोनों साइड से अच्छे से
जब तक की चीज हमने और पैन को हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे। जैसे ये गर्म होगा इसमें ऑयल ऐड करेंगे, बस थोड़ा सा, इतना के बेस्ट होगा। जैसे ही तेल गर्म होता है गैस का फ्लेम हम लीस्ट कर देंगे और लीस्ट फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे, हाई फ्लेम पे नहीं कुक करेंगे, वरना से रोटी कुक हो जाएगी और चीज़ मेल्ट नहीं होगी। तो इसे ब्राउन होने तक दोनों साइड हम लीस्ट फ्लेम पे कुक करेंगे। ये देखिए अच्छे से कुक हो चुका है। अब हमें ये रेडी हो गई है हमारे फाइनल इजी टेस्टी चिकन रैप्स, जो बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप इसे इफ्तार या फिर स्नैक के टाइम पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। एकदम क्विक रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी बनती है। आप जरूर ट्राई करें हमारी ये रेसिपी। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हैदराबादी फूड अपलोड। थैंक यू एवरीवन।